हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदार्स क्लासेस। आज की डेट है 31 दिसंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल हुआ ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, दूसरा अमृत भारत मिशन के बारे में, तीसरा सिटी फिनेंस रैंकिंग 2022, चौथा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पांचवा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और छठा और जो लास्ट का आर्टिकल होगा वो नीलगिरी तहार के बारे में, इसका क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसके बारे में हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की, तो पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। ब्रेन ईटिंग अमीबा, देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, एक टाइप का अमीबा है जो कि आपके ब्रेन की जो टिश्यूज है सेल्स से उसको खा जाता है। तो इसके बारे में बढ़ते हैं, ये क्यों न्यूज में। देखिए, साउथ कोरिया में पहला ऐसा केस मिला है जिसका नाम आपका जो अमीबा है, जिसका आपका साइंटिफिक नेम आपका नगलेरिया फोलेरी है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ठीक, अमीबा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पता लगा है कि वहां पे एक रिपोर्ट, एक डेथ रिपोर्ट हुई है, वो किसकी वजह से हुई, ये इस अमीबा की वजह से। ये अमीबा क्या करता है, ये माइंड में एंटर कर जाता है आपके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, तो वो आपका क्या करता है कि वहां पे माइंड के जो टिश्यूज है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे कुछ टाइम बाद आदमी की डेथ हो जाती है। तो साउथ कोरिया में पहला ऐसा केस रिपोर्ट किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये जो आपका नगलेरिया फोलेरी अमीबा है, जिसका नाम आपका नगलेरिया नगलेरिया फुलेरी है, ठीक है, एक टाइप का अमीबा। अब पहले अब हम पढ़ते हैं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा एक टाइप का सेल होती है, आपकी सिंगल सेल्यूलर सेल होती है, या आपकी यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, जो कि इसकी एक एबिलिटी होती है, ये अपने आप को साइज में, शेप में रिड्यूस कर सकता है, अल्टर कर सकता है, यानी कि आपको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, ये आपका क्या कर सकता है कि आपके जो इसके स्यूडोपोड्स होते हैं, स्यूडोपोड देखिए, जो एक तरह की ब्रांच है ना, जो आर्म टाइप ब्रांच निकली हुई है, इसके हैंड टाइप निकले हुए, इनको ये आपका घटा सकता है, बढ़ा सकता है। लिखा है ना यहाँ पे एक्सटेंडिंग और रिट्रैक्टिंग, ठीक है, ये बढ़ाना और घटाना, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है। तो आपकी अमीबा क्या हो गया, एक आपकी सेल होती है, या आपकी यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, एक तरह का जीवाणु होता है जिसकी एक कोशिकीय, बोल दो एक कोशिका होती है, वो ये जीवाणु होता है, ठीक है, जिसका एक तरह की एबिलिटी होती है, अपनी शेप और साइज को घटा बढ़ा सकता है। इसके जो आपके स्यूडोपोर्स होते हैं, अब ये स्यूडोपोर्स क्या है, देखो स्यूडोपोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई, एक आपकी आर्म लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी अमीबा की पिक्चर है, ठीक है, आपका जो पिक्चर दिखा गया अमीबा की, और ये इसका आपका प्रोजेक्शन देखे तो जो इसकी आर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन की, आपकी यूकैरियोटिक जो सेल्स की मेम्ब्रेन, उनका एक प्रोजेक्शन होता है जो स्यूडोपोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसमें साइटोप्लाज्म प्लाज्म फिल होता है, एक तरह का आपका ये लिक्विड है, ठीक है, जिसका जिसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, जिस एक्टिन फिलामेंट्स हम बोल सकते हैं, इसमें माइक्रोट्यूबल्स भी होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, और जो कि आपके एक तरह का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, हमें अंदर ज्यादा है, मतलब इसका इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है उतनी, बस आप ये जान लो कि स्यूडोपोर्स क्या होते हैं, एक तरह की आपकी मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो नगलेरिया आपका अमीबा होता है, ये आपका सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये एक तरह की अपना में जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज ये इसकी कई सारी स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज में से भी ये एक तरह की आपकी सिंगल स्पीसीज जिसका नाम नगलेरिया फुलेरी है, और ये क्या है, ह्यूमन माइंड्स को आपका इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होगे, देखिए कितनी प्यारी लड़की है, इसकी ये क्या है, यहाँ पे मतलब इस इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपका साउथ कोरिया में ऐसा पहला केस देखने को मिला है। अब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, कहाँ से ये डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 1965 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलता है, आपका जहाँ पे फ्रेश वाटर बॉडीज होती है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, रिवर्स होगी, लेक्स होगी, वहां पे आपका जहाँ पे वार्म फ्रेश वाटर बॉडी, यानी कि पानी थोड़ा गर्म मिलता है, वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में ये आपका पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये सभी कॉन्टिनेंट में मिल चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी फैला हुआ है, ये सभी कॉन्टिनेंट में मिल चुका है, पाया जा चुका है। ये आपका क्या पैदा करता है, पैम पैदा करता है, पैम का मतलब प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एनसिफेलाइटिस, एक तरह का आपका दिमागी बुखार होता है, जो एक तरह का मेनिंगो जाई आपका एनसिफेलाइटिस होता है ना, ठीक
ठीक है। तो एंसिफेलिसिस मतलब एक तरह का दिमागी बुखार होता है, ठीक है। तो उसे हम पैम बोल रहे हैं, ठीक है। ये लगभग 16 कंट्रीज में आपका फैला हुआ है, जिसमें से इंडिया में भी आपका देखने को ये मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इस ह्यूमन माइंड को कैसे इन्फेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ह्यूमन माइंड, और इसके इन्फेक्शन इस तरह से होता है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे अमीबा हो गया, ठीक। तो ये आपका एंटर कर जाता है, और जो इसके ह्यूमन की टिश्यू, जो माइंड की टिश्यूज होता है, उसको ये खाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से इसका इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप कुछ बच्चों को देख रहे हो, कुछ आदमी को देख रहे हो जो आपके लेक में, रिवर में नहा रहे। तो इस तरह से अगर इसमें अमीबा है, इसका इन्फेक्शन पानी के अंदर, इसका इन्फेक्शन है तो पानी के अंदर ही है, तो आपका क्या नोज के थ्रू, नोस्टिल्स के थ्रू ये आपका एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो जब एंटर कर जाएगा तो आपके ब्रेन में ये पहुंच जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि अमीबा एंटर्स ह्यूमन बॉडी थ्रू द नोज एंड ट्रेवल्स अप टू ब्रेन, के ब्रेन तक ये पहुंच जाता है, नोज के थ्रू एंटर करता है, ब्रेन तक ये पहुंच जाता है। ये कैसे है, वो होता है, कैसे फैलता है, जब आदमी स्विम करता है, आपका गोता लगाता है, डाइव करता है, तो ये जब डाइव करता है तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो सिर में ये आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इसके पहुंचने के मतलब स्प्रेड होने के ये कारण है। और आदमी का जो है ये क्या है कि माइंड इन्फेक्टेड हो जाता है। या दूसरी तरीके से ऐसा हो सकता है, जो आपके घर में अगर वो पानी जिससे आप अपनी नाक साफ कर रहे हो, अगर वो कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह के आपके एरोसोल ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर आपका वो है, ये आपका अमीबा है, तो आपके नाक के अंदर पहुंच सकता है। एक बार आपके अंदर, ब्रेन के अंदर ये पहुंच गया, तो ब्रेन के टिश्यूज को ये आपका क्या गया, डेस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। और उस इन्फेक्शन का नाम पैम है, यानी कि प्राइमरी एमेबिक मेनिंजो एंसिफेलाइटिस आपका इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स यही होते हैं। सबसे पहले तो जो शुरू के साइंस आप दिखते हैं, शुरू के इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, वो 1 से 12 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 12 दिनों का है, ठीक है। अब शुरू की स्टेज में क्या होता है, जो मेनिनजाइटिस आपको होता है, मेनिनजाइटिस में क्या होता है कि सिर में दर्द होगा, आपका नोसिया होगा, जुकाम होगा, बुखार आएगा, तो मेनिनजाइटिस के ये आपका लक्षण होंगे, ठीक है। जो बाद की स्टेज होती है उसमें क्या होता है, स्टिफ नेक, आपकी गर्दन बड़ी जकड़ी हुई रहेगी, सीजर्स आएंगे आपको, बहुत ठंड चढ़ेगी, अकड़न होगी शरीर में आपको, ऐसे ना एक तरह की मिर्गी टाइप सी आएगी, ठीक है, आपको ठंड लगने लगी, कपकपी रहेगी, उन्हें सीजर्स बोलते हैं, हलूसिनेशन होगा, आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगा, कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगेगी, और आपका इस तरह की स्टेज भी क्रिएट हो जाती है कि आदमी कोमा में भी जाने के चांसेस रहते हैं, इस ब्रेन ईटिंग एमीबा की वजह से, ठीक है। और डेथ भी हो जाती है। अगर आपका ये हो सका है, हो चुका है और लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो आपकी विद इन 5 डेज आपकी मृत्यु भी हो सकती है, भगवान करे ये किसी को ना हो, ठीक है। ये अब क्लाइमेट चेंज को इसका बताया जा रहा है सबसे बड़ा कारण, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फैलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या, क्यों फैलता है, देखो आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने लग रहा है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा तो इसके इन्फेक्टेड जो पानी है, हमारी वाटर बॉडीज है, जो फ्रेश वार्म वाटर है, वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि ये वहां पर फैल जाएगा, क्योंकि पानी गर्म होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसमें ये क्या है, ज्यादा आसानी से फैल सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पानी गर्म होता है वहां पे अच्छी तरह ग्रो करता है, हायर टेम्परेचर पर ग्रो करता है, ठीक है। और यही इसमें बताते हैं, जो स्टडी है यही बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहां पे ज्यादा रहेगी, ज्यादा एक्सिस रहेगी जहां पे पानी में, तो वहां पे आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसका एक, उसने ड्राइव चलाई थी जिसका नाम स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव, कि जितने भी आपके रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप करना है। उस किस ड्राइव के अंतर्गत ये आता है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत ये आती है। इसको क्या करना है, हमें मॉडर्नाइज करना है, लगभग 1000 जो हमारे छोटे से स्टेशन है, जो आने वाले सालों में हम उसे क्या करना है, रीडेवलप करना है। अब उसमें रीडेवलपमेंट में क्या क्या चीजें की जाएगी, जो आपके पहले से ये आपके ये बालेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, या बालास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट ट्रैक है, ब्लास्ट ट्रैक का मतलब जो आपकी ये कंकड़ पत्थर है ना, जो आपके पत्थर से ये आपकी ये कंक्रीट की स्लैब बनाई गई है और पत्थर डाले जाते हैं, ये आपका पूरा ब्लास्ट फ्री टैक्स बनाने, ब्लास्ट फ्री टैक्स ऐसे हो जाएंगे, आपने कहीं के देखे भी होंगे कि ब्लास्ट फ्री टैक्स इस तरह से, कि स्लैब तो रहेगी बिल्कुल कंक्रीट की, एक तरह का पूरा एक सरफेस बना दिया जाएगा, वहां पे ब्लास्ट यानी कि पत्थर ये हटा लिए जाएंगे, कंकड़ पत्थर रोड़ी बजरी ये सब हटा ली जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें एक तो ये
होगा। दूसरा, आपका जो आपका रूफटॉप है, रूफटॉप को एक तरह से पूरा प्लाजा बनाया जाएगा। जो आपने देखी होगी, जो आपके स्टेशन होते हैं वहां पे इस तरह के वो बने होते हैं, मतलब आपका सरफेस बना होता है, उस पर आपकी सरफेस बना होता है। अब उसके ऊपर एक टाइप का प्लाजा बना दिया जाएगा, वहां पे आपका कॉफी शॉप हो सकती है, खाने का अरेंजमेंट हो सकता है, रहने का अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, जिससे कि यात्री को कोई भी नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हमें 1,000 जो स्मॉल स्टेशन है उनको डेवलप करना है, और 5G सर्विस देनी है, वो आपकी फ्री सर्विसेज होगी, ठीक है, और लंबे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, छोटे नहीं, लंबे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, ठीक है, यही यही सब है। मर्क स्टेशन का वहां पर जो छोटी छोटी कैनोपी बनी होती है, जो छोटे छोटे छप्पर टाइप बने होते हैं, उनको हमें डेवलप करना है, जैसे न्यू दिल्ली के, आपके अहमदाबाद के, ठीक है, और बहुत कम कॉस्ट पे इन्हें डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे फैसिलिटी कौन कौन सी प्लांट की जा रही है, आपका रूफटॉप प्लाजा बनाया जाएगा, ठीक है, फ्री वाईफाई दिया जाएगा, 5G मोबाइल टावर्स उसमें लगाए जाएंगे, ठीक है, और रोड को चौड़ा करा जाएगा, जिसमें कि उनकी कनेक्टिविटी अच्छी तरह प्रोवाइड की जा सके, और जो अनवांटेड स्ट्रक्चर आसपास खड़ी होती है उन्हें रिमूव किया जाएगा, और आपकी साइनेजी मतलब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, इस तरह के आपके वो पिलर्स पर लगा रहता है, लिखा रहता है कि भाई ये वाला आपका स्टेशन आने वाला है, ये ग्रीन प्लेटफॉर्म मतलब ग्रीन पिलर होता है ना, उस पर साइनेज होता है, लिखा रहता है, रेड उसमें लिखा रहता है, व्हाइट उसके अंदर लिखा रहता है, तो वो साइनेजेस को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाएगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो होगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और पेडेस्ट्रियन पाथवेज होंगे ताकि जो आपके पैदल पथ वो रास्ता होता है उसको अच्छी तरह से डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए, और पार्किंग एरियाज भी होगी ताकि आदमी अपनी गाड़ियों को, साइकिल्स को, बाइक को खड़ा करके और अपनी जो जर्नी है उसको कर सके, ठीक है, और लाइट की सुविधा अच्छी होगी, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपका हाई लेवल प्लेटफॉर्म होगी, यानी कि 760 से 840, यानी कि आपके 750 से 850 mm की ऊंचाई तक के होंगे, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म होंगे, इस पर सारी एमटीज होगी जो कि आपके डिसेबल्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा है सिटी फिनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में। अभी क्या है कि आपकी जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सिटी फिनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की, जिसमें सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, इससे एक तरह का कंपटीशन क्रिएट होगा, जिससे कि अर्बन लोकल बॉडीज होगी जो उसको आप इंसेंटिवाइज कर सको, उन्हें अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड कर सको, और आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर है उसके अंदर, आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है उसके अंदर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका बस स्टॉप है, ठीक है, और आपकी पानी पीने की जो सुविधाएं है, और रोड है, रोड कनेक्टिविटी है, लाइट की सुविधा है, वो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जा सके, और बसों की सर्विसेज, ट्रेन की सर्विसेज वो आसानी से मतलब पहुंचाई जा सके, इसको स्ट्रेंथन करने की इसमें बात की जा रही है। मगर यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि इन सबको दुरुस्त करने के लिए, इन सबको अच्छा करने के लिए आपको जरूरत होगी पैसे की, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही इसकी रैंकिंग दी जाएगी। तो अब ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। इसका एम सिंपल ये होगा कि इवेल्युएट किया जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज करके उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, जो यूबीएल्स है, यूबीएल्स मतलब अर्बन लोकल बॉडीज है, उनमें कितनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है, ठीक है, कितनी अच्छी तरह से उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, उनको अवार्ड दिया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ताकि जो दूसरी सिटीज है, वो अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके अंदर भी कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आए, और वो भी दूसरे को देख के, दूसरी सिटी को, दूसरी यूएलबीज को देख के सीखे कि हमें भी इम्प्रूव होना है, नेक्स्ट ईयर हमें भी ये अवार्ड जीत इतना है। तो उसमें बेसिस रखा गया फाइनेंशियल पैरामीटर्स का। फाइनेंशियल पैरामीटर्स में ये होगा कि आपके सिटी जो है मोटिवेट होगी, स्टेट जो ऑफिशियल्स होंगे उनके अंदर एक स्पिरिट आएगी काम करने की, और डिसीजन मेकर डिसीजन ले सकेंगे, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उनको पैसा दिया जा रहा है, यूएलबीज को पैसा दिया जा रहा है, यूएलबीज का मतलब है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि म्यूनिसिपल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने का भी एक इसमें बहुत अच्छा प्रावधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या क्या, ये 15 अब बोला जा रहा है, इसमें 15 इंडिकेटर्स है, 15 इंडिकेटर्स के अंदर जो 15 इंडिकेटर्स आते हैं किसके अंदर आ जाते हैं, तीन जो म्यूनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स, उन तीन के अंदर ये 15 इंडिकेटर्स आते हैं। हम 15 को तो पूरे को डिस्कस करेंगे नहीं, बट जो मेन तीन आपके मेन की पैरामीटर्स है उनको डिस्कस करेंगे। जो पहला पैरामीटर्स है रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, कि रिसोर्सिस का कैसे मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, जो आप आपके सेंटर उसके सिटी में जो
रिसोर्सेज है, जैसे कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, किसी भी टाइप का रिसोर्सेज है, उसको कैसे मोबिलाइज किया जा रहा है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। दूसरा, एक्सपेंडिचर का परफॉर्मेंस कैसा है, कि एक्सपेंडिचर किस तरह से किया जा रहा है, उस सबको देखा जाएगा। तीसरा आपका होगा फिस्कल गवर्नेंस, कि आपकी गवर्नेंस किस तरह की है, किस तरह से आपका वो यानी कि पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उस तरह की गवर्नेंस देखने को यहाँ पे मिलती है नहीं मिलती, उस चीज का। और इसमें जितनी सुंदर आप सिटी बना दोगे, ये सब इंप्लीमेंट कर दोगे, आपकी सिटी उतनी सुंदर होगी, और कंपटीशन सिटियों के बीच में अमंग द सिटीज आपका कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसमें आपके 5 ब्रॉड पिलर्स है जिसके बेसिस पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक तो एक्सेसिबिलिटी, कि सिटीज के बीच में कैसी एक्सेसिबिलिटीज है, उन्हें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, वहां पे एक्टिविटीज सारी हो रही है, सारी आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है नहीं हो रही है, एस्थेटिक यानी कि सुंदरता कितनी है। एस्थेटिक का मतलब है कि इस तरह का आपका प्रोविजन दिया गया कि जिस सुंदर सुंदर बनाया जा सके सिटी को, ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो सके। और इकोलॉजी के एनवायरमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां के फ्लोरा एंड फौना पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। तो ये 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको सिटी कॉम्पिटिशन जो आपका सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट ब्यूटीफुल वार्ड होगा उसको मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपका क्या आएगा, इनोवेशन आएगी, कॉम्पिटिशन की स्पीड जगेगी। अगला आर्टिकल हमारा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरह का इनोवेटिव आइडिया है, कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो आपकी बजट स्पीच में ये वो टर्म कॉइन किया था, कि क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज, आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा और भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंज सुने होंगे, आपने पहली बार ऐसा सुना होगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और इसके बारे में जानेंगे। कि जो 2019-20 की बजट स्पीच थी उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये आपका टर्म कॉइन किया था, कंसेप्ट दिया था इनोवेटिव कंसेप्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी क्या हुआ है, ये न्यूज में चला है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, क्या नाम, सॉरी, उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है सेबी से, क्या इस सेटअप करने का, सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करने का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का अपने आप में एक अलग सेगमेंट होगा, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, एक तरह का आपका नोवल इनोवेटिव आइडिया है, इंडिया में नया आइडिया है ये। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स है, उनको कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी, मतलब वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो आपका कैपिटल उन्हें प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये हमने जान ही लिया कि भाई आपका क्या है, ये प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो ये किसके थ्रू वो प्रपोज किया गया है, ये आपने गवर्नमेंट ने एक बजट जो बताया था उसमें क्या है, आपका गैजेट नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था, किसको इन्वोक करके, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को आपका इन्वोक करके ये आपका गैजेट नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि एक नई सिक्योरिटी इजाद कर रहे हैं, नई सिक्योरिटी अनाउंस की गई, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम क्या था, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम क्या है, ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू की गई है, इशू करेगी, और जो कि रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड की जाएगी, किसके पास, आपका एसएससी के पास, एसएससी सेगमेंट यानी कि आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो सेगमेंट है उसके पास आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे रजिस्टर्ड होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनपी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो आपकी सोशल सेगमेंट के पास रजिस्टर्ड होगी वो इशू करेगी आपका, किसको, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को इशू करेगी। अब जब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट आपका वो हो जाएगा, ये किससे मान्यता प्राप्त होगा, या आपका किससे अप्रूवल होगा, सेबी से अप्रूवल होगा इसका, ठीक है। तो आपके आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो जो आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे इशू करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम क्या होगा, जो एसएससी है आपका, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, वो किस तरह से फंक्शन करेगा, एक तरह का अलग डिवीजन की तरह काम करेगा, जिसका आपका जो करंट स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके अभी करंट स्टॉक एक्सचेंज है वो जैसे वर्क करते हैं उसी तरह से वर्क करेगा, मगर ये अलग होगा, ठीक है, क्योंकि सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ये कॉरपोरेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर में देखिए कि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आपका
वो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपका स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई देगा एक तरह का इंडिकेटर की तरह, ठीक है, वहां पर। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपका कहाँ पे किस है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो सोशल एंटरप्राइजेज है वो यहाँ से पैसा लेगी, ठीक है, वो अपना पैसा क्या करेगी, वो रेज करेगी, ये आपके सोशल जो एंटरप्राइजेज है वो अपनी कैपिटल रेज करेगी और प्रोजेक्ट में लगाएगी। किस प्रोजेक्ट में, जो सोशल एंटरप्राइजेज जैसे कि गूंज है आपकी, ठीक है, सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ है, गूंज है, और भी कई सारी ऐसी एंटरप्राइजेज है जो आपकी सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, लोगों के लिए काम करती है, वो बेनिफिशरीज को आपका पैसा प्रोवाइड करेगी। जो बेनिफिशरीज होंगे वो उनका आपका इवोल्यूशन होगा किससे, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी का एक पैनल बनेगा जिसमें सेबी की आपकी कमेटी बनेगी, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनका इनका एक कमेटी बनेगी, वो आपका एक थर्ड पार्टी रिलेटेड की तरह काम करेगी। उनसे पूछा जाएगा कि आपको बेनिफिट मिला नहीं मिला, ऑन टाइम आपको पैसा मिला नहीं मिला, सफिशिएंट पैसा मिला, आपका कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो जब इनका इवेल्यूशन होगा, ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट आपका इन्वेस्टर्स को देगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये सिक्योर करेंगे कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, सही आदमी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरह का पूरा प्रोसेस होगा, इस तरह से सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कौन कौन लिस्ट होगी, अब इसमें लिस्ट होगी एनपीओज। एनपीओज मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस भी इसमें आपका सब्सक्राइब कर सकती है, ठीक है, जिनका काम ही सिर्फ सोशल इंटेंट वाला होगा, यानी कि हमें सोसाइटी को फायदा पहुंचाना है, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना है, जिनका प्राइमरी गोल सोशल इंटेंट वाला होगा कि आपका जो गरीब लोग है, लोअर तबके के लोग, उन्हें फायदा पहुंचाना, ठीक है, और आपकी छोटी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना, ये है, ठीक है। इसका एम्फेसिस यही होगा कि जो सोशल गोल्स होते हैं कि अंडर सर्व्ड जो लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जाए, लेस प्रिविलेज पॉपुलेशन को फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है। सोशल एंटरप्राइज विल हैव टू एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है, मेनली ये एक्टिविटीज है, ऐसे तो 16 ब्रॉड एक्टिविटीज बताई गई है सेबी के द्वारा, पर मेनली एक्टिविटीज ये है कि इसे भुखमरी को मिटाना है, हंगर को मिटाना है, पॉवर्टी को मिटाना है, मल न्यूट्रिशन को मिटाना है, इनइक्वलिटी को मिटाना है, ठीक है, हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करनी है, लिव प्रोवाइड करनी है, और आपकी जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर एम्पावरमेंट वुमेन्स के अंडर, वुमेन्स के लिए जेंडर एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, एलजीबीटी कम्युनिटीज की, जो उनकी हक की बात है, जो उनका हकूक है, जो उनके जो कम्युनिटीज है उनको उनके राइट्स दिलवाना, और इनक्यूबेटर की तरह काम करना, किन के लिए, सोशल एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये आपके सोशल जो 16 इंडिकेटर्स है इनके अंदर ही ये सब आएंगे, ठीक है। अब इनमें एलिजिबल कौन होगा, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस फाउंडेशंस एलिजिबल नहीं होगी, और बाकी सारे एलिजिबल हो, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस एलिजिबल नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे एलएनटी है आपकी, एसएनपी है, सपोर्जी पलोनजी है, इस तरह की है, और भी कई सारी कंपनीज है वो इनएलिजिबल होगी, ठीक है, हाउसेस कंपनीज, ठीक है, तो ये इनएलिजिबल होगी, ठीक है, एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये इसमें आपकी सीलिंग्स बताई गई, जिनका 1 करोड़ मिनिमम, 1 करोड़ ये प्रोवाइड करेगी, उससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है, और इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए मिनिमम उसकी अमाउंट 2 लाख होनी चाहिए कोई भी कंपनी को दे रहे। अगला आर्टिकल हमारा होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। देखो आप जानते हो अभी हमारी क्या है, इंडिया का किस किस से बॉर्डर लग रहा है, अभी पाकिस्तान जो हमारी एनिमी कंट्रीज है वो आपकी चाइना है और पाकिस्तान है, उनसे बॉर्डर लगता है, चाइना से हमारा बॉर्डर लग रहा है उससे हम लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लग रहा है उससे हम लड़ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, जो आपके बॉर्डर टाउन्स है, बॉर्डर विलेजेस है, वो बॉर्डर विलेजेस काम करते हैं, अगर देखो चाइना के बॉर्डर विलेजेस है, उसने अगर बॉर्डर पे, चाइना ने बॉर्डर विलेजेस इस्टेब्लिश कर लिए तो वो तो चाइना के विलेजेस है, वो तो चाइना के फेवर में काम करेंगे, उनको वहां की इंडियन गतिविधियों को नोट करेंगे, और वो किनको इन्फॉर्मेशन देंगे, चाइना को देंगे, ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड हो सके। तो ये चाइना का बॉर्डर विलेजेस इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि आपने न्यूज में पढ़ते रहते हो चाइना ने बॉर्डर पे अपने बॉर्डर टाउन बना लिए, तो उसने मॉडल टाउन बना लिया, तो उसी तरह से काम करते हुए इंडिया भी अपना वाइब्रेंट विलेजेस
प्रोग्राम चला रहा है, तो वो भी अपने बोर्ड इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उस पर अब अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला कर वहां पर विलेज इस्टेब्लिश करेगा, विलेज वहां पर इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे और वो आपकी जो आपकी खुफिया एजेंसीज है हमारी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, बॉर्डर पे परमानेंटली अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए परमानेंटली वहां पे विलेज को स्टेब्लिश करने के लिए कवायद जारी की है और पॉपुलेशन को वहां पे बसाएगा, और वो पॉपुलेशन पेट्रियोटिक सिटीजन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई जाकर बस गए और वो कहने लगे नहीं हमारे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है और हम तो अपना मेन स्ट्रीम से ही जुड़ेंगे, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे वीवीपी इसने प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। अब वाइब्रेंट प्रोग्राम क्या है, इसमें ये इंडिया का जो बॉर्डर है जो चाइना से लगता है वहां पे इसको ये बसाएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ज्यादातर कहाँ पे करेगा, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये रेजिडेंशियल एरियाज वहां पर बनाएगा जिससे कि टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा वहां पे, एक तो काम ये भी होगा, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वहां पर लगाए जाएंगे, खड़े करे जाएंगे, ठीक है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि वहां पर देखो बिजली पैदा करना तो बहुत मुश्किल है, तो वहां पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का फायदा पहुंचाया जाएगा, ठीक है, और आपके इस तरह के यानी कि ओवरऑल ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, और वहां पे दूरदर्शन यानी कि आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, दूरदर्शन की एक्सेस होगी, जो दूरदर्शन के चैनल है उनकी एक्सेस होगी, ठीक है, और लिवलीहुड के लिए वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फोकस एरिया ये होगी कि लिवलीहुड जनरेशन यानी कि वहां पे लोग की आजीविका यानी कि ताकि वो पैसे अर्न कर सके, रोड की कनेक्टिविटी, हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये सब आ जाएंगे, रोड कनेक्टिविटी, लाइटें, रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर दी जाएगी, टेलीविजन का कनेक्शन दिया जाएगा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहां पर दी जाएगी, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो विलेज का है उसको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एलएसी के एलएसी जहां पे है वहां पे, ठीक है। ये काउंटर जो विलेज का मॉडल विलेजेज है चाइना के उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, चाइना ने भी स्टेब्लिश किया है उसी का जवाब देने के लिए, अरुणाचल में स्टेब्लिश कर लिया है वहां पर मॉडल टाउन चाइना ने, तो उसी के जवाब में हम भी आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रहे हैं। अगला आर्टिकल हमारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तार के बारे में, जो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपका ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसका काम ये होगा जो नीलगिरी तार है यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो इसको कंजर्व करना, ठीक है। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं संगम लिटरेचर में, जो तमिल संगम लिटरेचर है उसमें आपके 2000 साल पहले पुराना जो लिटरेचर है उसका, उसमें आपके नीलगिरी तार के रेफरेंस वहां पे जिक्र मिलता है। तो अगर बात करें मेजोलिथिक इरा की, जो लेट मेजोलिथिक इरा है 10,000 से 4,000 साल बीसी पुराना, उसमें जो पेंटिंग हमें मिली है उसमें नीलगिरी तार के पिक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उससे पता लगता है कि उसके फोल्कलोर्स और कल्चर में और उनकी जो लाइफ थी उसमें नीलगिरी तार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो पुराने जो मेसोलिथिक इराके लोग थे, ठीक है। अब क्योंकि तमिलनाडु आपका स्टेट एनिमल है तो जाहिर सी बात है इसकी वहां के लिए इकोलॉजी के लिए और कल्चरली कल्चर बेसिस पे उसकी सिग्निफिकेंस तमिलनाडु रीजन के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की बात करते हैं, इसके प्रोजेक्ट के फीचर्स ये कि जो नीलगिरी तार है इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, और वो इंक्रीज ऐसे होगी पॉपुलेशंस में लोगों में इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसके बारे में हम जाने और जो लोग है उसके बारे में हम जाने, ओ ये सॉरी कि इसकी पॉपुलेशन के बारे में हम जानेंगे कैसे, कि ताकि हमें इसका सर्वे कर सके, सर्वे से पता लगे। सर्वे के लिए हम क्या करेंगे, रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री मान लो हमने इसके अंदर एक ऐसा वो लगा दिया है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, रेडियो वेव्स आपकी वो रिलीज कर रहा है, वो रेडियो वेव्स को कहाँ से वो कैप्चर की जाएगी, एंटीना लगा के, जैसे आप देखते होंगे पहले टीवी का जो एंटीना होता था तो उस तरह से, तो उसी को रेडियो टेलीमेट्री हमें सिग्नल मिलेंगे और इसके हम पाथ को ट्रैक कर सकते हैं। अब इससे हम दूसरा हमारा एक वो है इसका फीचर इस प्रोजेक्ट का कि इन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जाए, इसकी पॉपुलेशन को रीइंट्रोड्यूस किया जाए इनके जो हिस्टोरिकल हैबिटेट था जहां पे रहना पसंद करते थे उसमें, और इनकी जो थ्रेट्स है जो इनका आपका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है और हंटिंग की जाती है, इसकी थ्रेट्स को हम एड्रेस करें और इसकी पॉपुलेशंस को हम इंक्रीज करने के लिए क्या करें कि पब्लिक में अवेयरनेस को फैलाएं, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट की, 25 करोड़ इसकी कॉस्ट है। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि 2022 से 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। इसके उपलक्ष्य को इसके मतलब इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, नीलगिरी तार के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम नीलगिरी तार डे भी मनाते हैं जो कि 7 अक्टूबर को मनाया
मनाया जाता है, ठीक है। ये किसके ओनर में मनाया जाता है? ईआरसी दवीदार के ओनर में मनाया जाता है, क्योंकि वही है पायनियर जिन्होंने स्टडी की थी 1975 में नीलगिरी तार के बारे में, ठीक है। अब इसके थोड़ी सी हम कंजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि भाई इसका कंजर्वेशन के लिए क्या क्या काम किए गए। देखो इसका तो लोकल नेम है वरैया आयडू है, ठीक है। आयुषन की स्टेटस इसे क्या दिया गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसे काउंट किया गया है, और शेड्यूल 1 में इसे प्रोटेक्शन दी गई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है। इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। अगर पुराने टाइम की बात करें, जो नीलगिरी तार है उसका जो हैबिटेशन था वो बहुत ज्यादा पोर्शन में था, बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट के मैक्सिमम पोर्शन में आपको इसको देखने को मिल जाए, मगर आजकल की बात करें ये बस सिमट के रह गए थोड़े से पैचेज में, तमिलनाडु के और केरला के थोड़े से एरिया में ही सिमट के रह गए हैं, और ये एक्सटिंक्ट हो गए लगभग 14% इसकी वो बची हुई जो ट्रेडिशनल 16 ग्रासलैंड्स है उसमें इसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।